सो गाइस, तो ये खड़ा है बंसी डीजे यहाँ पर और ये बांध रहे हैं। कितनी बांधी वैसे? 16 बेस से बांधी भाई। और ये खड़ा है प्रेमंडल एंड पे, प्रेमंडल एंड के ठीक सामने। और ये भाई हमारे सारे बांधने में उन्होंने हेल्प किया सबने तगड़ी करके। ये देखो फोर साइड बना रहे हैं भाई, पूरी फोर साइड बना रहे हैं यार, तगड़ा सिस्टम है भाई, पूरी फोर साइड बना रहे हैं। ये देखो, ये फोर साइड लाइटिंग के लिए नहीं बन रही है, फोर साइड तिरपाल ढकने के लिए बन रही है। बाकी आप देख सकते हो मेरठ के ऑपरेटर भाई हमारे। हाँ भाई ऑपरेटर बोलो। देख सकते हो आप भाई, कितनी खतरनाक लग रही है यार, पूरा ट्रॉला ही लग रहा है, इनका छोटा ट्रॉला लग रहा है, सबका छोटा ट्रॉला लग रहा है भाई। ये देखो डीजे 500 ऑपरेटर, बाकी बंसी भाई साहब बरार में खड़े हैं। तगड़ा चल रहा सिस्टम, जैक पे लगा रखी है अभी गाड़ी, जैक से हटा रहे हो क्या? अच्छा बड़ा लगा रहे हो अभी, बिल्कुल सही माल बैठेगा फिटिंग में। बाकी यार देख रहे हो वाइड एंगल कर रखा मैंने और पूरा आ भी नहीं रहा, बहुत तगड़ा सिस्टम लग रहा है। बाकी और भी टाटा खड़ी है यहाँ पे, वो दिखाता हूँ, दो तीन टाटा खड़ी है यहाँ पे 16 बेस की, वो दिखाता हूँ आपको, बहुत तगड़ा सिस्टम। तो काफ़ी सारी टाटा खड़ी है यहाँ पे, ट्रिपल एक्स वगैरह भी खड़ी है, मतलब जो मेरठ में आई थी ना, जितनी टाटा मेरठ में आई थी सारी की सारी टाटा खड़ी हैं, और अलग ही सिस्टम है यार, मस्त एकदम बढ़िया। तो भाई अभी ट्रिपल एक्स टाटा थी एक सामने, वो आ रखी है, तो वो दिखाता हूँ ट्रिपल एक्स क्या क्या बांध रखा है उन्होंने, क्या सामान बांध रखा है दिखाता हूँ। ये खड़ी है ट्रिपल एक्स की टाटा, देख सकते हो आप, इन्होंने भी यार पूरा तगड़ा कर रखा है, देख रहे हो लाइनर वगैरह लगा रखे हैं, शार्प भी लगा रखी हैं चार, बाकी ब्लेंडर्स वगैरह कलर बॉक्स वगैरह लगा रखे हैं। बाकी इनकी दूसरी भी खड़ी है, इसमें माल रख के लेकर आते हैं, ये हर किसी की दो दो टाटा होती है ना, दो दो टाटा माल, एक में टाटा माल रख के लेकर आते हैं, ये बनाते हैं, देख सकते हो आप, सतीश नाम है इनके ओनर का। बाकी पीछे से भी ट्रॉली इतना लग रही है तगड़ी, और उधर चौधरी सनी, सनी नाम के बहुत हैं भाई, देख सकते हो आप ट्रिपल एक्स टाटा, बहुत तगड़ी लग रही है यार, ये भी पूरी वो लग रही है ट्रॉला ही लग रहा है सारी 16 वाली। इसमें देखो कितनी है ऊपर टॉप है, गिनो कितनी है, दो दो चार दो छः हैं यार, काफ़ी सारे टॉप हैं, गिन लेना आप आराम से। बाकी आप देख सकते हो दूसरी टाटा इनकी खड़ी है, एंड चलते हैं नेक्स्ट टाटा। बाकी और जो आगे खड़ी है ना सारी 16 बीसों की, 18 बीसों की सब दिखाता हूँ मैं, बहुत बहुत सारी भाई, बहुत सारे डीजे जाने वाले हैं मुरादाबाद से, लगा लो मैं तो लग रहा है भूकंप आने वाला, तहलका मचने वाला, बहुत खतरनाक वाला। बाकी पुलिस वाले भी कुछ ना कुछ मैटर कर रहे हैं, पुलिस वाले मतलब ये मैटर कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं बाहर का माल मत मान दो, क्योंकि ना उसमें ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है वो, तो इसलिए तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बात भी ठीक लगती है यार, क्योंकि यार पुलिस वाले क्यों कहेंगे तुमसे कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा, तो बस उससे ऐसे कहते हैं, तो ये भी बात बीच में रखी जा रही है कहीं ना कहीं, तो इसको भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे बहुत सारी टाटा खड़ी हैं तो वो दिखाता हूँ, मतलब जितनी टाटा वाले ब्लॉग में कवर हो पाएंगी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी टाटा जा रही हैं मुरादाबाद से। ये जो है प्रेमंडल एंड पर खड़ी हैं, बाकी ये गुलाबबाड़ी वगैरह उधर की साइड से जा रही है टाटा, पीछे हमारी ट्रेन जा रही है, देखो प्रेमंडल एंड के पास में यहाँ पे ट्रेन की पटरी है पास में। बाकी एक टाटा और आगे खड़ी है वो दिखाता हूँ, और पीछे भी दिखाऊंगा कौन कौन सी टाटा खड़ी हैं, और सारी टाटा के बारे में बताऊँगा कहाँ कहाँ से टाटा है। ये जो ट्रिपल एक्स वाली वो मेरठ से है, और ये वाली है बंसी डीजे वाली तो आपको पता ही है संभल से है ये टाटा, और बहुत सारे लोग पता है मतलब जानते हैं, और ट्रिपल एक्स भी पता ही है कहाँ से है, मेरठ से मुझे नहीं पता मेरठ से कहाँ से, लेकिन बाहर की टाटा है वो मेरठ या गाजियाबाद की साइड की। बाकी और भी सारी टाटा दिखाता हूँ आपको, ठीक है, बने रहो ब्लॉग के अंदर, मज़ा आएगा। एक टाटा बन रही है यहाँ पे यमराज गुज्जर करके, बहुत तगड़ी है, ये भी 16 बीस से बांध रहे हैं, बाकी ये देख सकते हो आप, और ये भी अपनी दूसरी एक गाड़ी लेकर आए हैं जिसमें अपना एक्स्ट्रा माल लेकर आए हैं। बाकी एक ही टाटा बन चुकी है, शायद वायरिंग वायरिंग नहीं हुई है, चौधरी भीम नंबरदार भाई, इन्होंने भी 16-18 पैसे बांधी शायद भाई, कितनी पैसे बांधी है इसमें, कितनी पैसे बांधी है, 14 पैसे बांधी है। बाकी टॉप वगैरह लगा रखी होंगी पूरी ट्रॉल की तरह रख ली है यार, खतरनाक, तो काफ़ी सारी बांधी हैं देख रहे हो आप, मतलब काफ़ी सारी टाटा जा रही हैं 16 बेसों की और 14 बेसों की, काफ़ी सारी टाटा जा रही हैं इकट्ठी, खतरनाक आज मुझे लग रहा भूकंप भूकंप आने वाला, देख रहे हो आप पूरी ट्रॉला लग रही है एकदम, देख रहे हो इधर टाटा खड़ी हैं, इधर टाटा ये भी इनकी दूसरी टाटा है, हर कोई मतलब जिसने 16 टाटा भी जानी है दूसरी टाटा देखा भाई, इतना मान लग गया सेफली। बाकी ये देखो यमराज गुज्जर एक बार और दिखाता हूँ उधर से, ये देखो ये सही बन रही है तगड़ी। बाकी सामने भी कोई ऐसे कोई डीजे खड़ा है छोटा सा ही, तो तगड़ा सिस्टम है। बाकी चलते हैं और भी टाटा दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, बने रहो ब्लॉक के अंदर, मज़ा आएगा। एक गाड़ी ये खड़ी है रोहित डीजे करके, मतलब ये रोहित डीजे वो वाली नहीं है जो मैंने पहले कवर करी थी, ये दूसरी है, इनकी भी दो टाटा हैं 16-18 बजे बांध रखी, इन्होंने भी बहुत तगड़ा सिस्टम है। सो गाइस ये खड़ा था रोहित डीजे, बाकी ना मतलब एक रोहित डीजे और है जो मेरठ का है, जिसे मैंने कवर करा था, बहुत खतरनाक बस था,
बाकी ये डीजे रोहित का मुझे पता नहीं था कौन सा था, इस पर शैतान लिख रहा है जो शैतान डीजे शैतान ऐसा करके लिख रहा है ये टाटा के। बाकी इन्होंने भी दोस्त है यार सब अभी छुपा छुपा के बांध रहे हैं, अभी कोई अपना एकदम नाम रिवील नहीं करना चाह रहा, कोई दिखाया जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं करना चाह रहा भाई, करना तो तुम्हें है ही नाम मतलब खोलना तो है ही सारा, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहे। चलो बाकी जो जो डीजे मैं देख रहे हैं आपको दिखा रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन कौन से डीजे जा रहे हैं। ठीक है भाई, ब्लॉग के अंदर बने रहो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। खड़ी है महालक्ष्मी की गाड़ी और ये खड़े हैं अभी आईटीओ पे, बाकी हमारा ऊपर टोंडा। हाँ भाई आया कर दे। और ये भी भाई गाड़ी बांध रहे हैं 16 बेस की, इनकी दो गाड़ी बांध रही है मेरे भाई बहुत तगड़ी करके। ये देखो ये कांटे हैं यहाँ पे अटक गए, तो गाइज ये देख सकते हैं आप इनकी गाड़ी और इनका तो सारा माल रखा है, अभी ट्रॉले पे सारा उतार के लेके आए हैं। सामने देखो 16 बेस की, 16 बेस नहीं है ये कम ही है यार, 3 और 3 6 लग रही है, बाकी टॉप लगा रखी इन्होंने ऊपर, इसके अंदर होंगी कितनी बेस है, 16 ही है, 16 बेस की बांधेंगे ये गाड़ी महालक्ष्मी मेरठ। ट्रॉले पे से डायरेक्ट उतर के यहीं लेकर आ रहे हैं माल, बाकी बाहर सारे भाई बैठे हैं यहाँ, बेल्ट आ रही है नीचे खींच के यार। बाकी पीछे वाली गाड़ी दिखाता हूँ, ये देखो ट्रस वगैरह रखी है सारी चीज़ें, बाकी ये पीछे वाली गाड़ी है इनकी, पीछे वाली गाड़ी में भी वैसे वैसे लगा रहे हैं, पूरी टीम आ रही खतरनाक। ये देख सकते हो आप, देख सकते हो 3 मतलब कितनी 8 वैसे बन रही है इसमें भी बढ़िया है, और सामने भी लगी हुई है आगे बाहर सब में, मतलब 8 बजे से बाहर और 8 बजे से अंदर, मतलब 16 बजे से बन रही है हर किसी गाड़ी में। बाकी ये महालक्ष्मी खड़ी है, इसकी गाड़ी पीछे भी खड़ी है वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये खड़ी है छलाया गुज्जर करके गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, इसमें भी शायद 16 बजे से ही बनेंगी। बाकी महाकाल की तो हमने वहाँ भी देखी थी हरिद्वार में, इनकी भी दो टाटा आई हैं, एक टाटा वो है एक टाटा ये है। तो ये भी देखो ये पूरा माल लेके पूरा माल लगा है सबका, कितना कितना सारा माल लगा है सबका। तो गाइस ये भी है यहाँ पे खड़ी है महाकाल गुज्जर गिरधरपुर, तो बहुत सारी टाटा खड़ी हैं देख सकते हो आप, पब्लिक पूरी देखने आ रही है, तगड़ा तगड़ा सिस्टम हो रहा है यहाँ भी। तो मित्रा दी गाड़ी है ये खड़ी हुई यहाँ पे, और क्या नाम है इनकी भी 16 बजे से लग रही हैं एक गाड़ी में, और एक गाड़ी में 14 बजे से लग रही हैं। तो एक गाड़ी ये खड़ी है इनकी, इसमें ये साली ये वाली शायद पैक रहेगी पूरी, और ऊपर भैया वगैरह आए हैं, ये पूरा माल लगा रखा है, तगड़ा है यार इनका सिस्टम भी। इनकी गाड़ी अच्छी बजती है देख सकते हो आप, गाड़ी अच्छी बजती है भाई इनकी, बहुत तगड़ी गाड़ी बजती है, क्योंकि मैंने ना हरिद्वार में सुनी थी तो वहाँ पर बहुत अच्छी बज रही थी। और ये बाकी देखो इनका सारा माल रखा है, बाकी भैया हैं ओनर। तो भैया कैसा लग रहा है मुझे आगे? बहुत बढ़िया। और कैसा रहा मतलब हरिद्वार का, कैसा रहा आपका रेस्पॉन्स? बाबा की कृपा थी। अच्छा चलो बढ़िया। और यहाँ पे मुर्दाबाद में कैसा रहने वाला अभी? देखो जी बाबा के हाथ में जो कराएगा बाबा अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश। ठीक है भैया, वो तो 3 गाड़ी आई हुई है। ठीक है भैया, मुरादाबाद में 3 गाड़ी, वो तो दिख रहा है मेहनत कर रहे हैं आपके लड़के। और एक गाड़ी 16 बेस की बन रही है, 14 बेस की जैसे की आपने बताया जी, तो देख अच्छा ही रहेगा। देखो मेहनत करते हैं सारे साउंड वाले है ना, तो सभी की गाड़ी अच्छी बजनी चाहिए, और आपकी तो बजती बढ़िया है, हरिद्वार में हमने कवर की है। अगर हरिद्वार वाली साउंड टेस्टिंग नहीं देखी किसी ने भी तो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत तगड़ी साउंड टेस्टिंग थी। बाकी अभी भैया साउंड टेस्टिंग कब करोगे इसकी? समथिंग 8 या 9 बजे करीब, 8 या 9 बजे। तो 8 या 9 बजे साउंड टेस्टिंग होगी, वो यूट्यूब चैनल पर तभी ही मिल जाएगी आपको इंस्टेंटली, तो देखना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो चैनल। बाकी भैया बोल दो सब्सक्राइब करने को, सब्सक्राइब करना भैया, थैंक यू। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी भैया की एक 16 बेस की गाड़ी जा रही है, एक 14 बेस की, एक 8 बेस की, 3 गाड़ी जा रही है। और गाइज अगली बार चिंता मत करो, 4 या 5 गाड़ी जाएंगी मुरादाबाद से, और मुरादाबाद का मेला तो बहुत तगड़ा ही होने वाला है। बाकी आप देख सकते हो एक बार और देखो माल वाल रखा है, सब बंदे मेहनत करने में लगे हुए हैं भैया के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।